संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके एक विवाद को पैदा करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने रविवार को एक बार फिर धनखड़ की नकल उतारी। इसे कला के रूप में बताते हुए बैनर्जी ने कहा कि वो उनकी नकल करना जारी रखेंगे। कल्याण बैनर्जी ने कहा कि वो ऐसा 1000 बार करेंगे और ऐसा करना उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा, मैं मिमिक्री करता रहूंगा, ये कला है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं 1000 बार करूंगा। मेरे पास अपने विचार जाहिर करने के सभी मौलिक अधिकार हैं। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए टीएमसी सांसद ने इस मुद्दे को तुच्छ मुद्दा बताया। साथ ही इस पर परेशान होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आलोचना की। गौरतलब है, सोमवार को टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी संसद परिसर में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारते नजर आए। बाद में धनखड़ ने बयान जारी कर कहा कि वो संसद और उपराष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने संसद परिसर में एक टीएमसी सांसद द्वारा उनकी नकल करने और एक कांग्रेस सांसद के उसे रिकॉर्ड करने पर गहरा दुख जताया। उपराष्ट्रपति के उस बयान का जिक्र करते हुए बैनर्जी की नकल से किसान का अपमान हुआ है। इस पर टीएमसी सांसद ने कहा, धनखड़ के पास जोधपुर में करोड़ों की संपत्ति है और दिल्ली में एक आलिशान फ्लैट है। वो लाखों का सूट पहनते हैं। उन्होंने किसान की बेटी साक्षी मलिक और जाट के बेटे बजरंग पूनिया द्वारा पद्मश्री लौटाने की घोषणा पर धनखड़ की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। इसके अलावा टीएमसी सांसद बैनर्जी ने संसद पर हुई सुरक्षा चूक को भी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। अब एक बार समझ लीजिए कि ये पूरा मिमिक्री का विवाद कब शुरू हुआ। 13 दिसंबर को संसद में चूक को लेकर विपक्ष की मांग थी कि पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बयान दें। इसको लेकर 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक विपक्ष ने सदन में अंदर जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कुल 146 सांसद को सस्पेंड करना पड़ा। इसमें लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 46 सांसद शामिल हैं। इस बीच 19 दिसंबर को कुछ सांसद सदन के मकर द्वार पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी खड़े होकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने लगे। बाकी सांसद ठहाके लगाने लगे और राहुल गांधी इसका वीडियो बना रहे थे। इस मिमिक्री कांड पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने सदन के अंदर बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरा मजाक कितना भी उड़ा लो, लेकिन वो संवैधानिक पद की रक्षा हमेशा करते रहेंगे। भाजपा ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। I'm going to go.